प्रायश्चित प्रकरण में कपालमोचन तीर्थ का आख्यान। ऋषियों ने पूछा, अमित तेजस्वी देव शंकर रुद्र ने पूर्व काल में किस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न कपाल को पृथ्वी पर स्थापित किया? सूत जी बोले, ऋषियों, आप लोग पाप को नष्ट करने वाली इस पुण्य कथा एवं धीमान देवाधि देव महादेव के महात्म्य को सुने। प्राचीन काल में मेरुश्रृंग पर लोकों के मूल कारण देव पितामह को प्रणाम कर महर्षियों ने उनसे पूछा, अव्यय अद्वितीय तत्व क्या है? महेश्वर की माया से मोहित लोकों को उत्पन्न करने वाले उन ब्रह्मा ने महर्षियों के परम भाव को न जानते हुए अभिमान पूर्वक स्वयं को ही अव्यय तत्व बतलाया और कहा, मैं ही जगत का मूल कारण धाता स्वयंभू तथा अद्वितीय अनादि परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। मेरी आराधना करने से मुक्ति हो जाती है। मैं ही सभी देवों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। लोकों में मुझसे महान और कोई नहीं है। पितामह अहम भावपूर्वक ऐसा कह ही रहे थे कि नारायण के वंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान ने क्रोध से आरक्त नेत्र होकर परिहास करते हुए ये वाक्य कहा, ब्रह्मन संप्रति आपके ऐसे व्यवहार का क्या कारण है? आप अज्ञान से युक्त हैं, आपके लिए उचित नहीं है। मैं लोकों का धाता यज्ञ रूप नारायण प्रभु हूँ। मेरे बिना इस संसार में जीवन कभी भी नहीं रह सकता। मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही परम गति हूँ। मेरे द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आपने इस भुवन मंडल की रचना की है। परस्पर विजय के अभिलाषी उन दोनों के मोहपूर्वक इस प्रकार विवाद करते रहने समय ही जहाँ वे दोनों देव पितामह एवं यज्ञ भगवान थे वहीं चारों वेद मूर्तिमान होकर आ गए। देव ब्रह्मा तथा यज्ञात्मा विष्णु को स्थित देखकर सन्निविग्रह हृदय होकर उन्होंने ब्रह्मा से यथार्थ तत्व कहा। मूर्तिमान ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर सभी प्राणी प्रतिष्ठित हैं, जिससे सभी की प्रवृत्ति होती है और जिसे परम तत्व कहा जाता है, उन्हें ही महेश्वर देव समझना चाहिए। यजुर्वेद ने कहा, जो ईश सभी यज्ञों तथा योग के द्वारा अर्चित होते हैं और जिन्हें देव को ईश्वर कहा गया है, वे देव ही पिनाक धारण करने वाले शंकर हैं। सामवेद ने कहा, जिनके द्वारा अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र प्रवर्तित है, जो निरतिशय अवकाश स्वरूप आकाश के मध्य प्रतिष्ठित हैं, शिव स्वरूप हैं, योगियों के द्वारा वेद हैं, वो परम तत्व ही शंकर हैं, महादेव हैं। अथर्ववेद ने कहा, यति लोग यत्नपूर्वक जिस परम योगेश्वर महेश का दर्शन करते हैं, वे पुरुष रुद्र ही भगवान भव हैं। इस प्रकार विश्वात्मा होने पर भी वे भगवान ब्रह्मा मोहित होने के कारण वेदों के द्वारा बनाए गए कल्याणकारी तत्व को सुनने पर भी हंसते हुए कहने लगे, जब वे परम ब्रह्म महेश सभी आसक्तियों से रहित हैं तो कैसे अपनी भार्या के साथ रमण करते हैं तथा अति गर्वित अपने प्रथम गणों के साथ सुख सुविधाओं का भोग करते हैं? ऐसा कह जाने पर सनातन अमूर्त भगवान प्रणव ने मूर्तिमान होकर पितामह से कहा। प्रणव बोले, ये वे महेश्वर हैं जो स्वात्मा राम हैं। ये अपनी आत्माओं में ही रमण करते हैं। इनकी आत्मा ही इनकी पत्नी है। यही वे भगवान ईश स्वयं ज्योति सनातन है और देवी शिवा आत्मानंद रूप स्वपूर्णी कही गई है। वे आगंतुक देवी उन भगवान से पृथक नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर भी उस समय ईश्वर की ही माया से मोहित यज्ञ मूर्ति भगवान तथा ब्रह्मा का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसी बीच विश्व भावन ब्रह्मा ने आकाश मध्य को व्याप्त करते हुए अद्वित एवं दिव्य महाज्योति का दर्शन किया। द्विजोत्तमो उस महाज्योति के मध्य स्थित तेज से उज्ज्वल दिव्य निर्मल मंडल आकाश के मध्य में प्रकट हुआ। वह अनिंदित मंडल दिव्य था और तेजोमय होने के कारण घोर भीषण तथा मूर्धा पर सबसे उपस्थित स्थित था। उसे देखकर ब्रह्मा ने अपने मुख को सबसे ऊपर विद्यमान उस मंडल के आलोक से अलोकित किया और उसी समय अज्ञानवश अतिकुपित ब्रह्मा के ही अति कोप से उस ब्रह्मा का पांचवा सिर जलने लगा। उसी क्षण भगवान नील लोहित रुद्र महेश्वर के गण के देव विशेष प्रकट हुए। वे रुद्रदेव त्रिशूल धारण किए हुए थे, पिंगल वर्ण के थे तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उन नील लोहित शंकर रुद्र से भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे महेशान, आपका मेरे ही ललाट से सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ था, ये मैं जानता हूँ। आप मेरी शरण में आए। तदनंतर पद्म योनि के गर्वयुक्त वचन को सुनकर ईश्वर नील लोहित रुद्र ने लोक को जलाने वाले पुरुष काल भैरव को भेजा। उस काल भैरव ने ब्रह्मा के साथ महान युद्ध किया और उन ब्रह्मा के पांचवें मुख को काट डाला। देव शंभु की प्रेरणा से काल भैरव द्वारा ब्रह्मा का मस्तक काट दिए जाने पर उन देव ब्रह्मा की मृत्यु हो गई, किंतु ईश्वर के योग से पुनः वे विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा जीवित हो गए। तदनंतर ब्रह्मा ने उस मंडल के मध्य में स्थित सनातन महादेव गिरीश महेश्वर को महादेवी के साथ विराजमान देखा। वे सर्पराज का कंकण पहने थी, चंद्रमा के अवयव को द्वितीया के चंद्रमा को भूषण रूप से धारण किए थी,
करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा जटाजूट धारण किए हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किया था, द्वीप मालाओं से समन्वित थे, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थे। कठिनता से देखे जा सकने योग्य तथा भस्म से सुशोभित ऐसे योगी शंकर को उन्होंने देखा। योगनिष्ठ अपने हृदय के मध्य जिन ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन ब्रह्म स्वरूप आदि देव महादेव को ब्रह्मा ने देखा। आकाश में स्थित वे परमादेवी जिनकी शक्ति है, वे अनंत ऐश्वर्य संपन्न योगात्मा महेश्वर मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम कर लेने से प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, वे लोगों के नायक दिखलाई पड़ रहे हैं, जो उन लोगों को भी मुक्त कर देते हैं जो आचरण युक्त न होने पर भी केवल उनकी भक्ति करते हैं। वेदों के ज्ञाता शांत तथा द्वंद्व रहित ब्रह्मचारी जिनके विशुद्ध स्वरूप को जानते हैं, वे शंभु दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा ब्रह्मवादी ऋषिजन जिनके लिंग की सदा आराधना करते हैं, वे विश्वेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके मंडल के मध्य सरस्वती के साथ ये भगवान ब्रह्मा स्थित हैं। हिरण्यगर्भ के पुत्र वेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली विज्ञान तनुरूपी विज्ञानमय ईश्वरी शक्ति जिनके पार्श्व का कभी त्याग नहीं करती, वे शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके चरण कमलों में पत्र पुष्प अथवा जल अर्पण करने से प्राणी संसार से पार हो जाते हैं। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनकी सन्निधि मात्र से अमोध शक्ति प्राप्त कर सनातन शाश्वत काल सब कुछ प्राणी मात्र को प्रदान करता है। वे काल के भी काल योगात्मा महेश्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो संपूर्ण लोकों के जीवन है, तीनों लोकों के भूषण है तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है। वे देव सोम उमा के साथ महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। देवी उमा पार्वती के साथ जिनका स्वभाव से ही नित्य साक्षात संयोग है एवं जिनके अनुग्रह से परम मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में बताई जाती है, वे योगी महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। वैराग्य की ओर उन्मुक्त योग के तत्व को जानने वाले योगी जन देवी के साथ निरंतर जिनके योग का ध्यान करते हैं, वे ही योगी शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं। महादेवी के साथ सनातन महादेव को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर ब्रह्मा को परम स्मृति प्राप्त हुई। भगवान ब्रह्मा ने दिव्य महेश्वरी स्मृति को प्राप्त कर चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले सोम शंकर को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, महादेव को नमस्कार है, महादेवी को बार बार नमस्कार है, शिव को शांत को नमस्कार है, शिवा को शांति को नमस्कार है, ओमकार ब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है, विद्यारूप आपको नमस्कार है, मूल प्रकृति को नमस्कार है, महेश्वर को बार बार नमस्कार है, विज्ञान स्वरूप देह वाले महेश्वर आपको नमस्कार है, चिंतन विचार शक्ति चिति स्वरूप आप देवी को नमस्कार है, काल के भी काल आपको नमस्कार है, ईश्वरी को बार बार नमस्कार है, रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है, रुद्राणी आपको बार बार नमस्कार है, काम समस्त प्रपंच को मोहित करने वाले आपको बार बार नमस्कार है और माया को बार बार नमस्कार है। सभी कार्यों के नियामक महेश्वर और शोभ उत्पन्न करने वाली सृष्टि के लिए कुठस्थ परम ब्रह्म उत्कंठ इच्छा प्रजागृत करने वाली उमा को बारंबार नमस्कार है, प्रकृति रूप आप देवी को तथा नारायण महेश्वर को नमस्कार है, योग प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है और योगियों के गुरु शंकर को नमस्कार है, संसार का विनाश प्रलय करने वाले महेश्वर को नमस्कार है तथा संसार की उत्पत्ति करने वाली देवी को नमस्कार है, नित्यानंद विभू तथा आनंद मूर्ति को नमस्कार है, कार्य विहीन विकार रहित को नमस्कार है, विश्व प्रकृति देवी को नमस्कार है, ओमकार मूर्ति उसके भीतर प्रतिष्ठित रहने वाले आपको नमस्कार है, आकाश में स्थित व्योम शक्ति ब्रह्म शक्ति देवी आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने इस सोमाष्टक नामक स्तुति से ईश को प्रणाम किया और शतरुद्रीय का पाठ करते हुए उन्होंने दंडवत भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणिपात किया। तदनंतर प्रणत जनों के कष्ट को हरने वाले देव हर हर महादेव दोनों हाथों से उन्हें ब्रह्म को उठाया और कहा, इस समय मैं आपके द्वारा किए गए इस प्रार्थना से आपके ऊपर प्रसन्न हूं। अनंतर उन्हें ब्रह्मा को परम योग और अतुल महान ऐश्वर्य प्रदान कर महादेव ने सम्मुख स्थित ईश्वर नील लोहित देव से कहा, ये ब्रह्मा मेरे प्रथम पुत्र हैं, इस संसार के पूज्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, गुरु ज्येष्ठ एवं आपके पिता हैं, आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। अनद आपको इस पुराण पुरुष की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये अपने योगशर्य के महात्मा से मेरी ही शरण में आए हैं। पुनः महेश्वर नील नील लोहित रुद्र को संबोधित करते हुए नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान के विषय में कहा, हे अनद, हे भगवान यज्ञ हैं, ब्रह्मा को मोहग्रस्त देखकर सर्व सगर्व हो गए हैं, इनका शासन करें तथा ब्रह्मा के कटे हुए सिर को धारण करें और आप संसार को ये दिखाते हुए भिक्षाचरण पूर्वक भ्रमण करें कि मैं ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्रत कर रहा हूँ।
आप देवताओं एवं ब्राह्मणों को अर्थात उनकी मर्यादाओं को संस्थापित करें। ऐसा वचन कहकर भगवान परमेश्वर अपने परम पद स्वरूप स्वाभाविक दिव्य स्थान को चले गए। तदनंतर जटाधारी नील लोहित उस भगवान रुद्र ने ब्रह्मा का मुख काल भैरव को ग्रहण कराया तथा कहा, पाप को नष्ट करने के लिए आप लोक कल्याणकारी व्रत का पालन करें और कपाल हाथ में धारण कर आप भगवान सर्वत्र जाएं तथा भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन्होंने भयंकर दाढ़ और मुख वाली ज्वाला हमू को ही आभूषण के रूप में धारण करने वाली ब्रह्मत्या नाम से प्रसिद्ध कन्या को भी ये कहकर भेजा है, ये भीषण आकार वाली ये काल भैरव त्रिलोचन जब तक दिव्य वाराणसीपुरी में पहुंचे तब तक तुम इनके पीछे पीछे जाओ। ऐसा कहने के बाद महेश्वर देव ने कालाग्नि भैरव से कहा, मेरे निर्देशानुसार आप भिक्षा मांगते हुए संपूर्ण लोक में भ्रमण करें। जब आप देवेश अनामय नारायण का दर्शन करेंगे तब वे श्री नारायण पाप की शुद्धि का स्पष्ट उपाय आपको बताएंगे। देवाधिदेव का वाक्य सुनकर कपालपाणि विश्वात्मा भगवान हर काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृत वेश बनाकर अपने तेज से प्रकाशित श्री संपन्न अत्यंत पवित्र जटाजूड़ से सुशोभित करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अत्यंत गर्वित प्रथम गणों से आवृत कालाग्नि के समान नेत्र वाले महादेव काल भैरव सुशोभित होने लगे। परम श्रेष्ठ के उस दिव्य अमृत स्वरूप आनंद का पान कर अतिशय लीला विलास करने वाले ईश्वर लोगों के पास आए। अस्तु उस कालात्मा महेश्वर के प्रमुख गण काल भैरव शंकर को रूप एवं लावण्य से संपन्न देखकर नारी समूह के पीछे चलने लगा। वे स्त्रियां प्रभु के सामने विविध प्रकार के गीत गाने लगीं और नृत्य करने लगीं तथा मंद मुस्कान के साथ उनके मुख को देखकर भौंक से हाव भाव प्रदर्शित करने लगीं। वे शूलधारी काल भैरव देवों तथा दानवों आदि के देशों में जाने के अनंतर विष्णु के भवन में गए जहाँ मधुसूदन निवास करते हैं। उस दिव्य भवन को देखकर लोगों के कल्याणकारी शंकर काल भैरव श्रेष्ठ भूतों के साथ ही उसमें प्रवेश करने लगे। उन काल भैरों के दिव्य परम परमेश्वर भाव को न समझते हुए शंख चक्र तथा गदा हाथों में लिए हुए पीत वस्त्र धारण किए महान भुजा वाले विष्णु के अंश से उत्पन्न विवक्षेन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान द्वारपाल ने त्रिशूलधारी उन काल भैरव को रोका। तब भैरव की आज्ञा से कालवेग इस नाम से प्रसिद्ध शंकर का भयंकर गण विष्णु समुद्रगुप्त विष्पक्षेन से युद्ध करने लगा। उस कालवेग को जीतकर क्रोध से लाल हुए नेत्रों वाला द्वारपाल रुद्र काल भैरव की ओर भयंकर सुदर्शन चक्र फेंका। तब त्रिशूलधारी शत्रुजीत त्रिपुरारी देव महादेव काल भैरव ने उस आते हुए चक्र को अवज्ञा पूर्वक देखा। उसी समय महादेव काल भैरव ने त्रिशूल के द्वारा प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य अति भीषण विकक्षेन के वक्ष स्थल में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। त्रिशूल से आहत होने पर अपने महान बल का त्याग कर उस विक्वक्सेन ने अपने प्राणों का उसी प्रकार परित्याग कर दिया जैसे व्याधि से आहत प्राणी मृत्यु को देखकर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। विष्णु के पुरुष विक्वक्सेन को मारकर उसके कलेवर मृत शरीर को लेकर श्रेष्ठ प्रथम गणों के साथ महादेव काल भैरव भवन के अंदर प्रविष्ट हुआ। जगत के कारण रूप ईश्वर काल भैरव को देखकर भगवान हरि ने अपने ललाट का भेदन कर रक्त की धारा गिराई और कहा, अपरिमेय तेज रूप भगवान आप मेरी भिक्षा ग्रहण करें। त्रिपुर मर्दन आपके लिए कोई अप्रकट अमंगलजनक भिक्षा नहीं है। हजारों दिव्य वर्षों तक वो रक्त की धारा प्रवाहित होती रही किंतु परम श्रेष्ठ ब्रह्मा का वो काल भैरव के हाथ में विद्यमान कपाल भरा नहीं। तब नारायण प्रभु हरि ने वैदिक मंत्रों द्वारा अत्यंत आदरपूर्वक स्तुति कर भगवान काल रुद्र से कहा, आपने ब्रह्मा का ये सिर किस कारण से धारण कर रखा है। तब परमेश्वर भगवान काल भैरव ने संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। तदनंतर ऋषिकेश देवेश भगवान अच्युत ने ब्रह्महत्या को बुलाकर प्रार्थना की, त्रिशूली काल भैरव को छोड़ दो मुरारी। विष्णु द्वारा प्रार्थना करने पर की उसके काल भैरव के पार्श्व का त्याग नहीं किया। तब जगदूनी सर्वज्ञ विष्णु ने देर तक ध्यान कर शंकर काल भैरव से कहा, भगवान आप दिव्य एवं मंगल करने वाली वाराणसी पूरी जाएं जहां संपूर्ण ईश्वर सांसारिक दोषों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। तब वे महायोगी काल भैरव अपने हाथ में विष्णु पार्षद विक्वक्षेन का कलेवर लेकर वाराणसी पूरी के दर्शन की प्रसन्नता में नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अति गोपनीय सभी तीर्थों एवं देव स्थानों में देवताओं के हित की कामना से गए। काल भैरव के चारों ओर महायोगी प्रमथगण उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। उन काल भैरव का नृत्य देखने की लालसा वाले भगवान नारायण हरि दूसरा रूप धारण कर स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रेष्ठ वृषभ के चिन्ह से अंकित शासन ध्वजा वाले अनंत योगात्म रूप शंकर गोविंद को देखते हुए प्रसन्नता पूर्वक बार बार नृत्य करने लगे। तदनंतर अनुचरों और हरि के सहित
धर्म रूपी वृषभ को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्र काल भैरव वाराणसी इस नाम से प्रसिद्ध महादेव की पुरी में पहुंचे। कपर्दी देवेश के यहाँ प्रवेश करते ही वो ब्रह्महत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पाताल में चली गई। श्रेष्ठ स्थान वाराणसी में प्रविष्ट होकर देव हरशंकर काल भैरव ने गणों के सामने ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया और उन्हीं करुणानिधि इस महादेव काल भैरव ने जीवित हो जाए ऐसा कहकर विश्वक्सेन का कलेवर विष्णु हरि भगवान को दे दिया। मेरे इस कपाल युक्त उत्तम वेश का रूप का निरंतर स्मरण करने से अहलौकिक तथा पारलौकिक सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ वाराणसी के कपालमाचन तीर्थ में आकर स्नान करके विधि पूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से ब्रह्महत्या से मुक्ति मिल जाती है। संसार को अनित्य जानकर जो इस स्थान में निवास करते हैं उन्हें देहांत के समय में परम ज्ञान और परम पद प्राप्त होता है ऐसा कहकर भगवान काल भैरव जनार्दन का आलिंगन कर प्रथमेश्वरों के साथ ही क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। वे भगवान कृष्ण हरि त्रिशूली से विक्वक्षेन को प्राप्त कर अपना परम रूप धारण कर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। आप लोगों से अस्थाणु शंकर को अत्यंत प्रिय महापातकों को नष्ट करने वाले पवित्र एवं मंगलकारी इस कपालमोचन तीर्थ के विषय में मैंने बतलाया। जो ब्राह्मणों के समीप इसका अध्याय का पाठ करता है वो कायिक वाचिक तथा मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है।